यहाँ से हम निकलते हैं और किधर चलते हैं जी, एडजस्टमेंट में गए थे तो दूसरी चीज़ क्या थी, वर्टिकल थी। वर्टिकल में क्या होता है, ये हमारा जो है तो ये वर्टिकल बार और क्रॉस सेक्शन की वर्टिकल से, यानी वर्टिकल एलिमेंट जो है तो उस हिसाब से इसमें चेंजेस होती हैं। क्या होता है जी, ये सपोज सबसे पहले डेटम है, इसमें क्या होता है आप सेक्शन को जो है तो ऊपर नीचे जो है तो कर सकते हैं, लेकिन इससे जो है तो ये आपकी वैल्यूज़ भी तब्दील हो रही हैं, क्योंकि ये NSL और ये वैल्यूज़ आपस में लिंक हैं। तो अगर आप NSL को ऊपर करेंगे तो फिर आपकी जो डेटम की वैल्यूज़ हैं ये भी जो है तो ऊपर होंगे। तो इसलिए पहला काम हम ये करते हैं कि ये हमारा जो वर्टिकल बार है इसको जो है तो एडजस्ट कर लेते हैं। चेक वर्टिकल बार, बॉर्डर पे क्लिक किया तो इससे इस वर्टिकल बार का सारा डाटा जो है तो यहाँ पर आ गया। टेक्स्ट इंक्रीमेंट को हम जो चेंज करते हैं, 1 ले लिया और नंबर ऑफ टिक्स जो है तो वो 6 कर दिए, ठीक है, या जो है तो कितने कर दिए जी, 12 कर दिए, ठीक है। और फिर जो है तो यहाँ पे आके ऑल किया, ऑल और रीमॉडल, तो सबका वर्टिकल बार जो है एडजस्ट हो गया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये लेफ्ट साइड है, राइट पे करेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यूज़ जो हैं तो राइट पे जो हैं तो चली जाएंगी, ठीक है, लेफ्ट पे करेंगे तो लेफ्ट पे आ जाएंगी। अभी यहाँ पे हमने बॉटम लिया, अगर मैं टॉप कर दूँ तो क्या होगा, टॉप करने से ये जो टॉप वाली वैल्यू है ये सिर्फ नीचे हो जाएगी, बाकी सब अपनी जगह पर ही रहेंगी, ठीक है, उनका जो बेस पॉइंट है ये सिर्फ ये जो एक टॉप मोस्ट, ठीक है, ये टॉप मोस्ट वैल्यू है, इसको मैं बॉटम करता हूँ तो ये वैल्यू भी जो है तो ऊपर रहती है, ये वहाँ पे काम आती है जब हम प्लान प्रोफाइल की शीटें बनाते हैं तो नीचे हमारे पास प्रोफाइल होता है, ऊपर जो है तो प्लान होता है, तो वो जगह कम होती है, तो ये बचत के लिए, यानी इतनी जो टेक्स्ट हाइट है उसकी हम जो है तो बचत करने के लिए जो है तो क्या करते हैं, इसको टिक तो अपनी जगह पर रहता है लेकिन इसकी जो इसका जो बेस पॉइंट है हाँ वो जो है तो जगह हमें वो जगह जो है तो हमें यहाँ पर मिल जाती है, हाँ उसकी जो है तो बचत हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट और ये डेटम ये तो जो है तो फिक्स हो गया। अच्छा जी, अब इसमें जो है तो इस सेक्शन को हम क्या करते हैं जी, ऑटो एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे हमने हॉरिजॉन्टली सेंटर किया था ऐसे जो है तो हम वर्टिकली भी जो है तो एडजस्ट कर सकते हैं, जितनों को भी सिलेक्ट किया हुआ है सब जो है तो क्या हो गए, यानी ये इसके इस वर्टिकल बार के इसने अपने मिनिमम मैक्सिमम एलिवेशन देखी है और उसको जो है तो इस वर्टिकल बार के जो है सेंटर में ला के जो है तो कर रही है, इसलिए जो है यहाँ से आते हैं और ये इसको ऑटो एडजस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रोग्रेस चल रही है कि तो ये जब भी यानी ये ऊपर नीचे हो रहा है तो वर्टिकल बार भी उसी हिसाब से जो है तो इसलिए जो क्रॉस सेक्शन का अपना डाटा है उस पर जो है तो इफेक्ट नहीं होता। अच्छा जी, फिक्स वर्टिकल बार फॉर सेलेक्टेड सेक्शंस विद रिस्पेक्ट टू NSL, इसमें क्या होगा, इसमें यह है कि इसमें तो वर्टिकल बार फिक्स हो गया था, ठीक है ना जी, अगर किसी भी सेक्शन का यानी NSL कम हो तो ये बस NSL तक जो है तो चलता है, NSL ज़्यादा हो तो वर्टिकल बार भी जो है तो अब क्योंकि अगर हमने फिक्स कर दिया और किसी का NSL फिर भी जो है तो ऊपर निकला हुआ है तो अब ये वाली वैल्यूज तो यानी वर्टिकल बार के हिसाब से नहीं आएंगी, तो इस पर क्लिक किया तो फिर वर्टिकल बार भी जो है तो उसके साथ जो है तो वहाँ पे चला गया। नंबर ऑफ टिक्स से क्या मुराद है कि अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू फिक्स कर देते हैं तो फिर उतने ही यहाँ पे टिक्स लगेंगे, इस चीज़ को जो है तो आप यहाँ पे यानी एरोस के ज़रिए भी जो है तो एक एक करके एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे जो है तो हम फिक्स सेंटर लाइन करते हैं, ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया तो जैसे हमने ठीक है हॉरिजॉन्टल सेंटर किया था इसी तरह जो है तो आप सेंटर लाइन को भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे सबको जो है तो एडजस्ट करना है चने भी खाते नहीं जी साथ साथ, क्योंकि मैंने खाना शुरू कर दिया तो फिर आप सुन नहीं सकेंगे। ये
ये जी हाँ, ये विद रिस्पेक्ट टू जो हमारी वर्टिकल बार है इसकी जो हाइट है इसके हिसाब से उसने फिक्स किया है, क्योंकि यहाँ पे हम ग्रिड लगाएंगे तो ये जो सीएल है ये फिर जो है तो उससे बाहर आ जाएगा। हाँ हाँ, उससे जो है तो जी हाँ उसके अंदर छुपा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे यानी सपोज़ ये है ना, और हम यहाँ पे नंबर ऑफ टिक्स जो है तो कम कर देते हैं, और अब मैं ऐसे कहता हूँ कि फ़िक्स करो तो सेंट्रल लाइन भी जो है तो उसने वो फिक्स असल में विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल बार करता है। इसको ज़्यादा किया है और ये उसके मुताबिक एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो है तो पेज के ऊपर ये हमारे पास कुछ टूल्स है, ये भी जो है तो हमने कर लिए। अगर इस सेक्शन का आप जो है तो जैसे हम प्रोफाइल्स का जो है वर्टिकल स्केल जो है तो टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं, सेक्शन का भी जो है तो चेंज कर सकते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि करंट स्केल वर्टिकल स्केल ऑफ फर्स्ट सिलेक्टेड सेक्शन क्या है, 1 है। आप जो है तो कितना कर देते हैं, 2 कर देते हैं, ठीक है मैम। 2 किया है तो ये क्या हो गया, वर्टिकल स्केल उसका तब्दील हो गया। कौन सा देखे ना, ये हो गया जी। हाँ हाँ, ये भी बदल सकते हैं, ये भी मेरे को मसला नहीं है, ठीक है। ये स्केल हमसे पूछते हैं ना, कमांड इधर चल रही है, किसको तब्दील किया था, इसको किया था, इसको दोबारा जो है तो वापस ले आते हैं। अब ये इसके मुताबिक एडजस्ट हो गया ना, असल में यहाँ तो इसका व्यू ये आया था। अब करते हैं और स्केल फैक्टर क्या है जी, 1, तो वापस इसको ले आए। तो उसने वो सिलेक्शन किया है, वो जो चीज़ें बॉर्डर से बाहर चली गई थी वो फिर सस्पेंडेड जो है तो बाहर ही रह गई हैं, उनको जो है तो मैनुअली जो है डिलीट कर देंगे, ठीक है। दोबारा वो करें तो उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा। तो ये जो है तो क्या 2 नंबर पेज था। फिर जो है तो हमारे पास ये 3rd पेज भी होता है, ये फिर इसका टाइम आगे आएगा, ठीक है। नहीं हाँ, एडजस्टमेंट हॉरिजॉन्टल और ये भी सेंट्रलाइज कर दिया।